तो कल से आगे का पाठ प्रारंभ होगा। आप लोग जितने भी श्रद्धालु लोग हैं बहुत अच्छे मन को बनाते हुए परम पावन जी के पाठ को सुने, क्योंकि जैसी प्रज्ञा की बात कही, तीन प्रकार की होती है, तो उसमें सबसे पहले श्रुतिमयी प्रज्ञा को उत्पन्न करना का उद्देश्य बनाना चाहिए। इसके बाद समालम्रिम से समालम्रिम की शुरुआत की जाए। समालम्रिम पेज नंबर 2। तो इसके बाद अपने चित्त को प्रशिक्षण किस प्रकार से करना चाहिए आदि के बारे में व्याख्या यहाँ से पाठ होता हुआ। फिर यहाँ पर आता है जो मूल है, उससे उसके तीन भाग, कि जो हमारे शरीर को पहचान करना कि जो हमें शरीर है उसके बारे में, और उसका मतलब बहुत बड़ा उसके बारे में जानना, और इस शरीर को प्राप्त करना बहुत मुश्किल होता है, तो इस तीन बातों के बारे में जानना चाहिए। तो इसके बारे में पाठ होता हुआ। तो ये भाग्यवान मानना चाहिए कि हमें ऐसी जगह पर प्राप्त हुआ जहाँ पर भगवान बुद्ध के वचन हैं, नहीं तो हम कहीं शरीर ऐसी जगह पर पैदा होता है होते जहाँ पर बुद्ध वचन न होते, जहाँ पर भगवान का शासन न होता। तो दो संघों के बारे में कही जाती है कि भिक्षु और भिक्षुणी संघ। तो इस तरह की परंपरा तिब्बत में भी देखने को मिलती है। तो अव्ययकार के द्वारा सूत्र का एक टीपा है, उसमें इस क्रम को दर्शाया गया। तो उसमें उनमें दो प्रकार के संघ के बारे में बताया गया, उपासक संघ और उपासिका संघ का भी व्याख्या की गई। तो कुल मिलाकर के चार मिलाकर के हो जाते हैं। तो जो जहाँ तक गृहस्थ लोगों की बात की जाए, तो गृहस्थ लोगों में उपासक और उपासिकाएँ, और जो गृहस्थ जो प्रवर्जित लोग हैं उसमें बिछड़ी लोग होते हैं। तो कुल मिलाकर चार संघों की व्यवस्था की गई है। तो इसमें दो संघ बिछड़ी की बात कही गई है, तो बिछड़ी होना भी चाहिए। भगवान बुद्ध ने महिलाओं को भी बिछड़ी बनने का अधिकार दिया। तो तिब्बत में मूल सर्वास्तवादी परंपरा के अनुसार
तो इसमें ये इस प्रकार दो संघ होते हैं, भिक्षुड़ी संघ, मूल सर्वास्तवादी परंपरा के अनुसार दो संघों की व्यवस्था की गई है। तो क्योंकि वहाँ भारत तिब्बत में शायद भिक्षुड़ी का प्रवेश नहीं हो पाया था, तो इसलिए वहाँ भिक्षुड़ी का संवर नहीं हो पाया। तो ये हमें सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि जो विनय के अनुसार जो व्यवस्था है उसके अनुसार चलना चाहिए। जैसे कि चीन में कहा जाए तो भिक्षुड़ी, वहाँ पर भिक्षुड़ी संघ की व्यवस्था है, शायद वियतनाम में भी भिक्षुड़ी संघ होता है। और धर्मगुप्त इत्यादि के धर्मगुप्त परंपरा के अनुसार वहाँ भिक्षुड़ी संघ परंपरा है। तो हम लोग अभी काफ़ी प्रयास किया, लेकिन अच्छी तरह से उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। प्रयास तो किया गया, क्योंकि तिब्बत में भी जो गैलिंग वहाँ का जो भिक्षुड़ी परंपरा नहीं है उसको भी वहाँ होना चाहिए। तो ये विनय के अनुसार अगर दो भिक्षुड़ी संघ की व्यवस्था किया कहा गया है तो होना चाहिए। तो जहाँ तक कर्म फल की बात की जाए तो ईश्वर वाले लोग हालांकि वो कर्म फल को मानते हैं, लेकिन उस तरह के कर्म फल को नहीं मानते जिस तरह बौद्ध धर्म के अनुसार व्याख्या की जाती है। वो लोग मानते तो हैं कि अगर आप बुरा कर्म करोगे तो नरक में पैदा होगे, अच्छा कर्म करोगे तो देवलोक में जन्म मिलेगा, ऐसी व्याख्या तो करते हैं। तो जो तीन रत्न हैं, तो तीन रत्न की बात की जाए, बुद्ध धर्म संघ की बात की जाए, तो सभी धर्मों में अपने अपने शास्त्र होते हैं, अपने अपने तरीके होते हैं। हम लोगों की अगर बौद्ध धर्म की बात की जाए तो हमारे शरण के स्थल तो तथागत बुद्ध होते हैं, और बाकी के तो ऐसे हम लोग प्रयास करते हैं, बौद्ध लोग ऐसे प्रयास करते हैं कि सारे के सारे लोग बौद्ध भगवान बुद्ध में श्रद्धा करें, ऐसे प्रयास कुछ लोग करते हैं, लोग ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है। तो हिंदुओं में भी अपने अपने रत्न होते हैं, त्रिरत्न की क्या क्या है, एक रत्न की व्याख्या की जाए, या उनके भगवान होते हैं, तो सभी लोगों को एक भगवान के मानने वाले हो जाए ऐसी बात नहीं है। तो जहाँ तक मैं पुद्गल निरात्म को मना करने वाले, पुद्गल निरात्म को मानने वाले बौद्धों के अतिरिक्त दूसरा कोई शासन नहीं है जिसमें कि आत्मा को नकारा जाए। बौद्ध धर्म ही ऐसा एक है जिसमें आत्मा को नकारा जाता है, उसके अस्तित्व को नकारा जाता है, ये ध्यान चाहिए। और अहिंसा की जहाँ तक बात की जाए तो अहिंसा की बात हम लोगों से, तो जैसे जैन की बात कीजिए तो वो लोग अहिंसा का बहुत पालन करते हैं, बहुत कठोरता से पालन करते हैं, बहुत अच्छा अभ्यास करते हैं वो लोग, उसका अगर अभ्यास के तौर पे देखा जाए लेकिन सिद्धांत के तौर पर कुछ हटके है, लेकिन उनके क्रिया के अनुसार, कार्यकर्मों के अनुसार उनका अहिंसा का पालन अच्छा करते हैं। जैसे कि क्रिश्चियन जो भिक्षु भिक्षुणी होते हैं उनको अगर देखा जाए, जो उनको भिक्षु भिक्षुणी के बारे में देखा जाए तो वो लोग भी इसका अहिंसा का अच्छी तरह से पालन करते हैं, दूसरों का हित करते हैं, हम लोगों से अच्छा ही करते हैं। अगर हम लोग अच्छा नहीं करते तो हम लोग बुरा भी नहीं करते हैं। तो हाँ, तो ये तो ज़्यादातर वो लोग वो अर्थ के बारे में नहीं जानते हैं। और जो एक बार जोन में नामक एक मेरे क्रिश्चियन मित्र हैं,
वो कनाडा से, वो उनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा संबंध है। एक बार कनाडा मुझसे वो कनाडा मिलने आए, तो भगवान ने तो उन्होंने इतना उन्होंने उनकी मूर्ति बनाई या चित्र बनाया, जिससे कि उन बनाते बनाते उनकी आँखों से आंसू निकलने लगे। कि आंसू निकलने का मतलब है उनके अंदर इतनी श्रद्धा थी, कि इतनी प्रगाढ़ श्रद्धा थी कि जो अपने भगवान में इतना श्रद्धा रखते थे। तो जहाँ तक हिंदुओं के या बौद्धों से हट करके शरण की बात की जाए तो वो श्रद्धा पर रखते हैं। बौद्ध धर्म के अनुसार अगर बात की जाए तो चार हमारे जो सील हैं उनके अनुसार श्रद्धा रखते हैं। अगर चार सीलों को माने तो वो मानते हैं, अगर जो चार सीलों को नहीं मानते हैं वो शायद हम अबौद्ध कह सकते हैं। तो ये चार हमारे सील हैं, उनको बारे में जानना चाहिए। तो मैं यहाँ पर हमेशा भ्रम मुझे होता है, मैं हमेशा कहता हूँ ये खरसा में, हिमाचल प्रदेश खरसा की बात है, तो रोहतांग के पास जब मैं गया तो वहाँ पर एक जगह है कोकसा नामक जगह है, मैं वहाँ कई बार गया। तो वहाँ के लोग हमें जान पहचान के कुछ मित्र बन गए, तो उन्होंने चाय और रोटी इत्यादि लेकर के आए, हम लोगों के पास आए। तो मैंने कहा कि सब लोग, मैंने आप सभी लोग बौद्ध लोग हैं? उन्होंने कहा हाँ मैं बौद्ध हूँ। वो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तो मैंने पूछा भगवान बुद्ध का दर्शन क्या है? तो उन्होंने कहा बुद्ध धम्म संघ ही हमारा धर्म बौद्ध। तो उन्होंने उनसे पूछा बौद्ध क्या होता है? तो उन्होंने कहा मुझे पता नहीं। फिर मैंने उनसे पूछा, तो मैंने अपन उनसे पूछा भगवान बुद्ध और जो ये शंकर जी है वो क्या एक जैसे है? उन्होंने कहा हाँ एक जैसे ही है। तो इस प्रकार की अगर बात करते तो एक शर्म की बात है। तो इस प्रकार की जो श्रद्धा है वो किस प्रकार से उत्पन्न होते हैं? जैसे जहाँ तक ब्रह्मा की बात की जाए या शंकर की बात की जाए, उनको एक जैसा मानोगे और बुद्ध को भी एक जैसा मानोगे तो कैसी बात है? तो इसलिए हम लोग केवल श्रद्धा करते हैं तो कोई अच्छी बात नहीं है। तो श्रद्धा भी करें तो अपने प्रज्ञा का उपयोग करना चाहिए, ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। अगर प्रज्ञा के बिना अगर ऐसा या मान लें कि किसी गुरु ने कहा है या आचार्य ने कहा है ऐसा मानते रहें तो ऐसा कहते रहें तो ठीक नहीं, इस तरह से नहीं करना चाहिए। तो विश्वास की अगर बात की जाए तो ऐसा होना चाहिए जैसे कि पत्थर पर लकीर बनाना, तो इतना गहरा श्रद्धा होना चाहिए और मजबूत होना चाहिए। अगर आप विश्वास करना चाहते हैं तो विश्वास करने से पहले आप कारण को जानिए, उसका परीक्षण करना चाहिए। तो जब परीक्षण करते हैं तो विश्वास के बारे में हम परीक्षण नहीं करते, श्रद्धा के इत्यादि के बारे में परीक्षण नहीं करते हैं। तो हम लोग करुणा मैत्री इत्यादि जो हैं वो ये चीज़ें परीक्षण नहीं करती। तो परीक्षण करने वाली चीज़ प्रज्ञा होती है, तो प्रज्ञा के द्वारा ही परीक्षण किया जा सकता है। तो अगर हम अच्छी तरह श्रद्धा नहीं करेंगे तो शायद एक अंधविश्वास जैसा हो जाएगा, जैसा अभी समय अलंकार में भी कहा गया है, क्योंकि जो पुण्य कर्म की तरफ से जो विश्वास किया जाता है, तो इसलिए हम जो करना है और जो श्रद्धा है वो भी अंधकारवश या क्लेश बस भी उत्पन्न होती है। क्लेश के द्वारा भी श्रद्धा उत्पन्न की जाती है, क्लेश के द्वारा भी प्रज्ञा उत्पन्न की जाती है। अगर भगवान बुद्ध को अच्छी तरह से श्रद्धा करते हो, पूरे श्रद्धा की तरफ से मन से करते हो, अपने मन को एक तरह एक जगह रखकर करते हो, तो यहाँ पर भी समाधि की बात आ जाती है। तो जहाँ तक श्रद्धा करने की बात हो तो प्रज्ञा के अपने ज्ञान का उपयोग करना चाहिए। अगर गुरु को मानने से क्या फ़ायदा होता, नहीं मानने से क्या फ़ायदा होता, तो और बुद्धत्व की प्राप्ति होती है या नहीं होती है। तो अगर भगवान बुद्ध को अगर नहीं मानोगे, अगर आप
और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये नहीं जानते हैं भगवान कहाँ है, ऐसा पूछते भी हैं कि भगवान कहाँ है। तो लद्दाख में एक बार मुझे बुलाया दगानू में बुलाया, वहाँ काफ़ी लोग आए तो हम मुझसे मुलाकात मिलने के लिए, धर्म सुनने के लिए आए। भगवान, मैंने पूछा जो भगवान बुद्ध की स्तुति है वो आपको जानते हो, तो मैंने कहा हाथ उठाई जो इस पूजा को जानते हैं। लगभग सभी लोगों ने हाथ उठाए, 30-40 लोग थे, सब लोगों ने हाथ उठाए। तो मैंने पूछा इसका अर्थ कितना जानते हैं, अर्थ कितना लोग जानते हैं, तो कोई भी नहीं उसमें था जो हाथ उठा सके जो अर्थ जानता हो। सामने तो एक व्यक्ति थे तो उसने हाथ तो उठाया तो मुझे उनके लिए भी भ्रम हुआ कि पता नहीं उनको अच्छी तरह से आता होगा कि नहीं आता होगा। हाथ तो उठा दिया लेकिन पता नहीं, तो बाद में उनका बात है परीक्षा लेने की बात है तो हम लोग ज़्यादातर श्रद्धा के रूप में चले जाते हैं, और ज़्यादातर जब कहते हैं तो कहते हैं हमारे माता से सीखा, पिताजी सीता सीखा या इत्यादि बातें तो करते हैं कि भगवान बुद्ध धम्म संघ के बारे में जो सुनते आए हैं। तो अगर पूछा जाए कैसे किस प्रकार होता उनका लक्षण क्या, तो कहते हैं कि हमने माता जी सीखा या पिताजी बाबा जी सीखा। तो अगर उनको जानते हो तो हमारे जो ग्रंथ हैं त्रिपिटक है उनको जानना चाहिए। अगर इनको इन ग्रंथों को ऐसे ही रखे रहें, इन पोथियों को पढ़ें ना और अलमारी तरह रखें तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। तो जैसे लमरीम की जब पूजा की जाती है उस समय अंतिम शब्द आता है, तो उसमें दो प्रकार की व्यवस्थाएँ जो नगर जो परंपरा और मैत्रीनाथ की परंपरा ऐसा की दो परंपरा हैं, तो उसमें एक शब्द आता है कि जो प्रति समुत्पाद जम तोम्पा मरमे जी इसे इत्याद हैं, तो जो जो दुनिया के रत्न हैं या आभूषण हैं उनको मैं उन आभूषण के रूप में उनको मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे शब्द तो वो प्रसिद्ध हो गए इसलिए उनको आभूषण नहीं कहा जाता, रत्न नहीं कहा जाता, इस तरह से कोई नाम नहीं। तो आखिर वो उनको आभूषण के तौर में रत्न के रूप में क्यों माना गया है, इसलिए माना गया कि वो प्रज्ञा के रूप में या अपने जांच पड़ताल के दौरान इतना प्रज्ञावान बने, इस वजह से जान आज 21वीं शताब्दी में भी देखें, आज केवल श्रद्धा को प्रमुख मानने वाले लोग बहुत श्रद्धा को प्रमुख लोग मानने वाले बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि क्रिश्चियन लोग हैं, मुसलमान लोग हैं और हिंदू लोग भी हैं जो कई करोड़ों की संख्या में उनकी आबादी है, वो प्रमुख रूप से श्रद्धा के बस अपने धर्म को मानते हैं। और श्रद्धा के अतिरिक्त और कोई कारण नहीं होता है। और जो प्रति जहाँ तक प्रति समुत्पाद की बात की जाए तो प्रति समुत्पाद की बात बौद्ध धर्म में है, इसलिए उनको दुनिया इनको दुनिया के का एक रत्न के रूप में आभूषण के रूप में माना गया। तो मेरे हिसाब से तो जो भी मेरे चित्त में अगर लाभ होता है तो वो प्रज्ञा की वजह से होता है। अगर बोधि के बारे में ठीक से नहीं जानते हैं तो उसका लक्षण क्या है उसके बारे में ठीक से नहीं समझ पाएंगे, श्रद्धा से ही नहीं जान सकते हैं। तो उसमें दो शब्द आते हैं छंग और छुप का क्या अर्थ होता है उसके बारे में अच्छी तरह से जानना चाहिए। बोधि क्या होती है उसके बारे में अच्छी तरह से समझना चाहिए। जैसे कि इनांग में भी तो करुणा जो है, करुणा सभी सत्वों के लिए आप विषयबंद बनाती है, उस अगर प्रज्ञा इतनी महत्वपूर्ण न होती तो फिर पढ़ने की और सीखने की जरूरत नहीं होती है, तो सिर्फ हम श्रद्धा करते रहते हैं, विश्वास बनाए रखते हैं। अगर श्रद्धा की बात अगर करें तो जो लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, ग्रंथ को नहीं समझते, वो सारा श्रद्धा करते हैं। और जो पढ़ते हैं, जो प्रज्ञा इत्याद जो ज्ञान जिनके अंदर ज्ञान होता है, जो अध्ययन करते हैं, वो प्रज्ञा के अनुसार चलते हैं, ना कि श्रद्धा के बस।
इसलिए भवचक्र से अगर हमें वैराग्य उत्पन्न भी करना है तो भी प्रज्ञा की आवश्यकता होती है। तो भगवान बुद्ध जो कि शून्यता के दर्शन दिए इत्यादि में हमें श्रद्धा तो रखनी चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ प्रज्ञा की जरूरी है। तो इसके बारे में मेरा यहाँ पर कहने का मन हुआ तो मैंने आपके सामने रखा। तो ऐसा नहीं है कि जब अभ्यास करें तो श्रद्धा महत्वपूर्ण होती है और जब आप परीक्षण कहें तो प्रज्ञा की आवश्यकता, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि जो क्लेश हमारा जो अज्ञानता है वो बहुत आसानी से आ जाता है। और हमारी जो भी जो अगर हमारे क्लेश को नष्ट करना चाहते हैं, आत्मग्राहता उसको नष्ट करना चाहते हैं, वो प्रज्ञा के से ही संभव हो सकता है। चाहे वो अभ्यास के समय की बात हो, चाहे हम विपश्यना करें या फिर परीक्षण करें, उस समय प्रतिसमुत्पाद के साथ शून्यता के साथ मिला है कि नहीं, इन प्रतिसमुत्पाद के साथ जुड़ा हुआ है कि नहीं, उसके बाद जाना चाहिए। और फिर जो फिर अनित्यता है, अनित्यता जो स्थूल प्रकार के अनित्यता के बारे जानना चाहिए। तो फिर प्रतिसमुत्पाद और चार चार सत्यों के अपने अपने चार चार भाग होते हैं, और उसके साथ 37 प्रकार के बोध सत्यों के मार्ग होते हैं, उनको भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और जो 37 प्रकार के बोधंग हैं वो और 16 प्रकार के जो सत्यों जो चार सत्य उनके चार चार प्रकार के भाग हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मैं भी हमेशा इनको साथ साथ लेकर के अभ्यास करता हूँ, क्योंकि एक से दूसरों एक ने से फायदा करता है। प्रज्ञा पारमिता सूत्रों के पढ़ते समय तो ये 37 प्रकार के बोधंग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है। ऐसा नहीं है कि ये तभी के लिए आवश्यक हो, ये हमेशा जब भी आप पढ़ाई करें, जब भी आप ग्रंथों को पढ़ें तब इसकी आवश्यकता होती है। तो इनको हमेशा याद करके रखना चाहिए या इनके बारे में जानना चाहिए। तो उन लोग जहाँ तक ही हमारे जो मेरा यहाँ पर जो बात मैं कर रहा हूँ, तो वहाँ के काजा की बात उधार दे रहे हैं कि बुद्ध धम्म संघ क्या है, तो उनके बारे में तो नहीं जानते हैं, मोसे जानते हैं, मोसे तो बोल सकते हैं। तो देवबस जो चार आर सत्य दो आर सत्य उनके बारे में पूछा जाएगा अगर कि सत्य किस प्रकार, तो नहीं जानते। अगर वो प्रबल रूप से या फिर कोई अगर तो कभी कभी ऐसा भी होता है, अगर कभी प्रबल रूप से कोई कहे कि ये बुद्ध धम्म या संघ नहीं है, तो फिर बिना अगर कोई विश्वास केवल रखता है तो वो भी मानने को तैयार हो सकता है कि हाँ शायद नहीं हो। क्योंकि उस समय हमारे पास परीक्षण करने की ज़्यादा शक्ति नहीं होती है, ज़्यादा अपना ज्ञान नहीं होता। तो जिस यहाँ कहा जाए जिस प्रकार से भगवान बुद्ध के जो बुद्ध वचन हैं, वचनों जिस तरह से वचनों में श्रद्धा रखते हैं, उसी प्रकार से भगवान बुद्ध में भी श्रद्धा तैयार रखनी चाहिए।
तो दूसरे यहाँ से भगवान बुद्ध के धर्म में अगर अच्छी तरह से भगवान बुद्ध को अच्छे समझते हैं, जैसा मैंने कल या पहले कहा था कि शून्यता और बुद्ध चित्त है, उसमें अच्छी तरह से अगर जानेंगे तो अगर अच्छी तरह से समझेंगे तो फिर हम जान पाएंगे कि बुद्धत्व को प्राप्त कराने के लिए केवल ये शरीर ही ऐसा है जो कि हमें बुद्धत्व को प्राप्त करा सकता है, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ नहीं है जो नरक इत्यादि से बचा सकता है। इसलिए हमारे जो शरीर है, जो हमें शरीर मिला है, उसके बारे में जानना चाहिए, जैसे चतुष्तक में आर्यदेव ने भी कहा है। तो दूसरा यहाँ पर परिच्छेद शुरू होता है कि जो इसका अर्थ, ये हमारा जो अर्थ है, बड़ा अर्थ, उसके बारे में सोचना चाहिए कि ये शरीर जो मिला है वो उसका अर्थ काफ़ी है, उसके बारे में हमें विचार करना चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। लोबेन लुजा उनके ग्रंथ में ये शब्द वहाँ पर आते हैं। फिर उसके बाद यहाँ से भाग ये शुरू होता है कि
जो ये शरीर है वो मिलना मुश्किल है, उसके बारे में सोचना चाहिए। कि ये शरीर, मानव शरीर मिलना कितना मुश्किल है, इसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये सोचना चाहिए कि अगर हम नरक में पैदा होते तो हम पुण्य कर्म नहीं कर सकते हैं और सारे के सारे दिक्क जो पाप करें उनको ही करते रहेंगे। तो इस वजह से जो हमें मानव शरीर मिला है उसके उस समय हमें ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य कर्मों को करने की कोशिश करनी चाहिए। जो हम लोगों को मानव शरीर जो मिला है और इसमें हम लोगों ने अनंत समय से, अनंत कल्पों से बुरे कर्म किए, पाप कर्म किए हैं और अभी भी उन पाप कर्मों को करते आ रहे हैं। तो शरीर प्राप्त किया जाता है तो उसके बारे में सोचना। इसमें दो तरीके होते हैं, एक तो हेतु के वजह से, हेतुओं के माध्यम से पाना मुश्किल होता है। तो अब दूसरा यहाँ पर आता है कि फल के अनुसार इस शरीर को पाना कितना मुश्किल है। Thank you.
आज के इस दुनिया में लगभग 7 अरब के आसपास जो लोग हैं, लगभग 90% ऐसे लोग हैं, 90% लोग ज़्यादातर अपना जो मन है ज़्यादातर भौतिक वस्तुओं को बढ़ाने के लिए या उन्नति करने के लिए विचार करते रहते हैं। कि पढ़ाई भी करते हैं तो पढ़ाई करने समय से भी कि हमारे जो वस्तुएं कैसे बढ़ाएं जाएं, हम आप तरक्की कैसे करें, भौतिक वस्तुओं कैसे बढ़ाए जाएं, तो ज़्यादातर इसके बारे में सोचते रहे। तो भिक्षुओं की अगर बात की जाए तो तिब्बत में तो कम है इस प्रकार के सोच विचार, कम देखने को मिलते हैं। तो आज के बाहरी वस्तुएँ बहुत प्रगति कर रही हैं, तो ये जो विचार है हमारे भी कुछ भिक्षुओं में भी शायद पैदा हो सकता है। अगर उसको अच्छी तरह से अपने मन को काबू में नहीं रखेंगे तो मुश्किल हो सकती है। जैसे कदम पे गुरु इत्यादि ने कहा है कि हमें आंतरिक तरीके से अपने धर्म के बारे में सोचना चाहिए। जैसे लंग रिम्पोचे और ठीक रिम्पोचे जैसे शेष इत्यादि में गए, लिंग रिम्पोचे कनाडा कहीं गए थे, जब यहाँ वापस जब आए तो उन्होंने कहा क्योंकि जो 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 हमारे इंद्रियों के लिए जो जो चीज़ें आवश्यक होती हैं तो उनके बारे में ज़्यादातर उनके पीछे चल रहे हैं, जो इंद्रियों के अनुसार ही अपना चल रहे हैं, जो हमारी आवश्यकता इच्छाओं की चीज़ें उन इच्छाओं के पीछे दौड़ रहे हैं। लेकिन अंदर जो हमारा आंतरिक मन है उसमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। तो दुंगेल का जो दुख से तो ज़्यादा परिवर्तन नहीं है जो, और फिर परिवर्तन दुख है उसके में भी थोड़ा जानना चाहिए। और जो महत्वपूर्ण जहाँ तक बात की जाए तो जो हमारे परिवर्तन जो हमारा संस्कृत दुख है उसके बारे में सोचना चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा कि दुख को समझो, तो दुख को समझने का यहाँ अर्थ ही है कि हमारा जो संस्कार दुख है उसको समझना चाहिए, और इस संस्कार दुख को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। तो जो परिवर्तन दुख है वो तो जो जो हिंदू लोग भी हैं जैसे कि महाकुंभ इत्यादि में जो देखने को मिलता है कि वो पूरे नग्न साधु रहते हैं, नागा बाबा इत्यादि होते हैं, तो बहुत हिमालय इत्यादि में बर्फ़ में वो लोग बरसों तक बिना कपड़े पहने रह सकते हैं। तो हमारे नए प्रधानमंत्री वो व्रत रहते हैं, नौ दिन तक व्रत रहते हैं। जैसे मोदी जी वो केवल पानी पीते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। जब वो अमेरिका जब गए तो उस समय अमेरिका में राष्ट्रपति ने भोजन इत्यादि का आयोजन किया, लेकिन उन्होंने भोजन नहीं किया, केवल पानी पिया। तो इस प्रकार के लोग करने वाले हैं, तो लेकिन वो अर्हत इत्यादि के बारे में नहीं जानते हैं, इत्यादि के बारे में भले ही नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी मेहनत करते हैं। लेकिन हम लोग अर्हत इत्यादि को जानते हैं, फिर मेहनत करने के लिए कहा जाए ऐसे काम के व्रत इत्यादि रहें तो वो साथ मुश्किल होता है। जैसा कि प्रमाण व्रत का हमें कहा गया कि अगर केवल पानी पीते रहोगे तो हमारे शरीर के जो गंदगी इत्यादि चीज़ें हैं और पाप इत्यादि नष्ट हो जाते हैं, तो शायद ये शरीर को शुद्ध करने का तरीका है और उससे कोई हटकर नहीं है। तो हम लोगों को कुछ हटकर के करना चाहिए। अगर पानी से पी करके सोचो कि हमारा पाप नष्ट हो जाएंगे या रत प्राप्त हो जाए तो मुश्किल नहीं है। तो हमें शून्यता का जब तक ध्यान नहीं करेंगे, शून्यता के ऊपर ध्यान इत्यादि नहीं लगाएंगे, अभ्यास नहीं करें तो हमें अर्थ पद की प्राप्ति नहीं हो सकती है।
तो इसलिए संस्कार जो दुख हैं उसके बारे में हमें जानना चाहिए और ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। आजकल के जो मनुष्य हैं वो भी जानवर के समान हैं ऐसा लगता है, क्योंकि वो लोग भी जानवर ही ज़्यादातर खाने पीने सुगंध स्पर्श इत्यादि के बारे में सोचते हैं, तो मनुष्य भी ऐसा ही कर रहे हैं। तो हम लोग का जो भौतिक विकास हो रहा है तो इसमें भी रूप स्कंद रूप या शब्द या फिर स्पर्श इत्यादि के बारे में सोच ज़्यादातर विचार करते हैं, लेकिन पढ़ाई करने के बाद थोड़ा सोच विचार करने की तो क्षमता होती है, लेकिन ज़्यादातर हमारी जो इंद्रियां हैं उनका हित करने के लिए चलते काम करते रहते हैं और फिर आसक्ति इत्यादि पैदा करते हैं। तो जिनको थोड़ा ज्ञान नहीं होता है तो वो ज़्यादातर क्लेश के अधीन रहते हैं, और इस प्रकार जब क्लेश के अधीन रहेंगे तो परेशानी इत्यादि होती है। तो जितने भी हमारी भौतिक विकास होता है तो वो भौतिक विकास हमारे जो इंद्रियां हैं उनके अनुसार ही होता है, उनको आवश्यकता के अनुसार हम विकास करते हैं। तो ज़्यादातर हम लोग जो इस दुनिया के या भवचक्र के जो 8 भौतिक धर्म हैं या लौकिक धर्म हैं उनमें ज़्यादातर फंसे रहते हैं। तो जैसे कि कुत्ते की अगर बात की जाए तो वो सोच विचार करके बहुत सारे पापों को उत्पन्न कर लेते, शायद वो नहीं करता है, लेकिन हम लोग मनुष्य लोग अपने विचार सोच विचार ज़्यादा होने की वजह से हम आसक्ति इत्यादि पैदा कर लेते हैं, लेकिन जानवरों इत्यादि में इस प्रकार की आसक्ति ज़्यादा नहीं होती है। तो थपो थरकन के लमरेम के लमनू देखने में आता तो ठेजर बोचन सता हुए लमरेम तो वो रिक इत्याज गोत्र वहाँ से उसका अध्ययन कराया जाता है। तो हालांकि में पढ़ने को मिलने को नहीं मिला तो आंतरिक हेतु और भाई के तो दो बारे में बात की गई है। तो नंग के जो अंदर के हेतु की बात की जाए उसके बारे में वो हमारे गुरु होते हैं। तो प्रज्ञा पारमिता इत्यादि के जो ग्रंथ हैं वो महत्वपूर्ण हैं। आपका ना बाहरी जो हमारे हेतु होते हैं वो गुरु रोग होते हैं, और आंतरिक जो हेतु होते हैं वो हमारे ये शरीर इत्यादि जो हमें शरीर में रहा है। तो यहाँ पर कहा जाता है कि बुद्धत्व प्राप्त करने के अभ्यास तो पुरुषों या फिर मनुष्यों के अपने अपने इच्छा के अनुसार अलग अलग व्यवस्था होती है। जैसे अभी कहा गया कि जो हमारे आचार्य हैं उनके
उपदेश इत्यादि पर निर्भर होना पड़ता है। अगर उनके उपदेशों पर दिल से श्रद्धा नहीं होगी तो शायद मुश्किल होगा। जैसे कि शून्यता का सिद्धांत, फिर उसके साथ साथ और खुद चर्यावतार में परात्म परिवर्तन क्षमता की बात जो कही गई है तो उसके बारे में जानना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे वो जानवर भी क्यों ना हो, अगर वो दूसरों को जानवर इत्यादि को नुकसान पहुंचाते हैं तो उनको काफ़ी शांति रहते हैं, काफ़ी खुश रहते हैं। लेकिन मनुष्य अगर दूसरों का प्यार इतने करेंगे तो उससे ज़्यादा कहीं उत्पन्न होगा। तो लेकिन ज़्यादातर हम लोग दूसरों घृणा क्रोध इत्यादि ईर्ष्या आदि करते हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो दूसरों को कुछ फ़ायदा नहीं होगा। और दूसरे तो बात छोड़िए, अपने परिवार में भी खुशी नहीं होती है। तो बौद्ध चर्यावतार में कहा गया आत्म परिवर्तन के हिसाब से अगर अभ्यास करेंगे तो दूसरे जन्म की बात छोड़ दीजिए, अभी जन्म के बारे में सोचें। अगर शून्यता के सिद्धांत को समझेंगे थोड़ा तो फिर भगवान बुद्ध के दर्शन में जान करके श्रद्धा करेंगे। और जब आप तीन शरण है उसमें उस तीन शरण के बारे में जानना चाहिए, और फिर उसके बाद हमारे कल्याण मित्रों के बारे में जानना चाहिए। अगर जो प्रज्ञावान लोग हैं तो उनके अंदर इस प्रकार की बुद्धि जल्दी से प्राप्त होने में शायद फर्क होता है। इसके बाद लमनुल हक जान से का पाठ होगा। फिर यहाँ पर हमारा जो चित्त है उसको किस प्रकार से प्रशिक्षित करना चाहिए इसके बारे में पाठ हो रहा है। लमरे शैम्पू में जय रिम्पोचे की जो आचार्य हैं, आचार्य की विशेषता के बारे में बाद में कहा जाता है। अगर कोई आपका कल्याण मित्र अगर आपको उपदेश देता है और उस समय भगवान बुद्ध के दर्शन के अनुसार वो व्याख्या नहीं होती है तो क्या करना चाहिए? तो उन्होंने जैन भोजन ने कहा है कि उसका सेध करना चाहिए। उसमें सूत्र अलंकार से कोट किया है कि अगर कोई भगवान बुद्ध के अनुसार प्रवचन नहीं देता तो उसका प्रतिशोध करना चाहिए। तो ऐसा कहा जाता है कि लामा को वज्रपाणि के समान देखना चाहिए। तो जो आचार्य इत्यादि को पहचानने के बारे में बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर जो दुलवा या फिर सूत्र या फिर सूत्र अलंकार के जो कोट
लामा जे रिम्पोछे ने अपने ग्रंथों में किए हैं। और बसवंधु के से डोलदे, उनके डोलदे के गुरु बसवंधु थे। हालांकि बसवंधु जो तो चित्र मात्रवादी थे, जैसा कल कहा कि नागार्जुन उनके शिष्य जो लोग थे, उन्होंने कहा कि जो उन्होंने निर्मोचन सूत्र में कहा है कि ये भगवान बुद्ध के तो वचन हैं, लेकिन जिस तरह से वो कह रहे हैं उस तरह का उनका अर्थ नहीं है, तो उनका मैं अपमान कर रहा हूँ ऐसी बात नहीं है। जैसे कि बसवंधु और उनके अतिरिक्त जो धर्म कीर्ति हैं, उनके प्रमाण वर्ति का कड़े काम है, वांगचुक जो थे अपने गुरु की वहाँ पर निषेध करते हैं। जैसे कि दिग्ना के जैसा दिग्ना ने कहा उसको न मान करके उनका निषेध किया है। माफ करना, यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो चंद्र की धर्म कीर्ति की प्रज्ञा प्रमाण वर्त का कड़िका है, उसमें जो छोगलांग को उनके शिष्य वांगचु ने प्रसिद्ध किया है। तो ऐसा कोई बात नहीं है कि आप परीक्षण न करें तो परीक्षण करना चाहिए। तो जो दुख अपने आप से उत्पन्न होता है तो उसके बारे में सोचना चाहिए। जैसे हमें जब मृत्यु के बारे में जब उसके बारे में सोचते हैं तो उस समय हमारे अंदर दुख उत्पन्न होता है, तो दुख तुरंत अपने आप उत्पन्न होता रहता है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए। मेरे कुछ मित्र लोग हैं कि ग्रंथों को जानते हैं, लेकिन जब उनके अंदर रक्तचाप इत्यादि बढ़ जाता है, विचलित हो जाता है, उनसे पूछा तो क्यों आपके अंदर ऐसा हुआ, तो कहते हैं कि अनित्यता के बारे में सोचते हैं, तब ज़्यादा परेशानी उत्पन्न होती है। तो इस समय मृत्यु के बारे में जब बहुत ज़्यादा चिंतन नहीं होना चाहिए, क्योंकि मरेंगे तो मरेंगे। जो अभ्यास करने वाले हैं उनके मृत्यु के बारे में सोच करके डरना नहीं चाहिए। जैसा कहा गया कि जो शब्द है वो अनित्य है, और अनित्य इसलिए है क्योंकि वो परिवर्तनशील है। तो इस वजह से अगर परिवर्तनशील होगा अनित्य होगा, तो जो जितने अनित्यता के भाग जो अलग अलग भाग हैं, तो सारे के सारे चीज़ें बातें कहेंगे कि अनित्यता जैसी हैं उनका अंत होगा। अगर ऐसे बार जैसे उत्पन्न होना और उसी समय समापन होना प्रारंभ होता है, अगर इसके बारे में सोचें कि ये दोनों एक साथ साथ आते हैं, तो इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, क्योंकि
क्योंकि जो भी जिसमें भी परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होने की वजह यही है कि वो उत्पन्न होता है, और उत्पन्न हुआ तो उसमें उसका क्षरण भी होगा, वो नष्ट भी होगा। जब अधूरा सीखते हैं तो जो परिवर्तन क्षण क्षण परिवर्तन होना उसका स्वभाव है। तो अभी ज़्यादातर जो हमारा जो जो अध्यम पुरुष हैं, अध्यम पुरुष हैं, उनके सामने जो अनित्यता है और वो स्थूल आत्म अनित्यता की बात कही जाती है, और जो मध्यम पुरुष होते हैं उनके साथ में जो आत्म अनित्यता सूक्ष्म होती है उसके बारे में व्याख्या की जाती है। और जो सूत स्थूल रूप से अगर कहोगे तो उसको चित्त को प्रशिक्षण में मदद होती है। तो समय ये अच्छी बात तो है, तो मैं भी इस बारे में सोचता हूँ। फिर इसके बारे में अगले तीन भाग कहे गए हैं कि जो हमारा ये शरीर है वो उसके बारे में जानना चाहिए, और इसके जो अर्थ है अर्थ के बारे में सोचना चाहिए, और इतने तीन और ये शरीर जो मिला है मुश्किल है उसके बारे में सोचना चाहिए। तो ये इसकी व्याख्या पूर्व के जो लम्बे में अभी थोड़ी देर जो पढ़ा गया था उसमें की गई है, दोबारा से वही चीज़ यहाँ पर भी दूसरी लम्बे में भी आती है। तो भगवान बुद्ध के दर्शन को जानना और बुद्ध के धर्म को जानने के लिए तीन रत्नों को जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर तीन रत्नों को नहीं जानते हैं और तो इसमें दहल और जोर क्या है उसके बारे में नहीं जान पाएंगे। तो सबसे पहले भगवान बुद्ध को जानना चाहिए और जान करके श्रद्धा उत्पन्न करना चाहिए। अगर जान करके श्रद्धा उत्पन्न करते हैं तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। उदाहरण के रूप में यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर कुत्ता या फिर गधे के सामने अगर मंत्र को पढ़ा जाए तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कल जम्पे सेलंग कल भी इसकी व्याख्या की गई थी। फिर यहाँ पर व्याख्या हो रही है कि जो देवताओं की जो दीर्घ आयु होती है उसके बारे में।
अगर जो इसमें फिर व्याख्या किया जो मिथ्या दृष्टि वाला है, जो गलत सोच विचार वाला है, तो वो मानी मंत्र का भी उच्चारण करे तब भी उसको कोई पुण्य कर्म के लाभ नहीं हो सकता है। जैसे कि मुस्लिम लोग हैं, उनमें भी दूसरों को हित करने के सोच विचार होते हैं। देख सिद्धांतिक तौर सिद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए तो वो अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी उनमें दूसरों को हित के करने के लिए अगर मन उत्पन्न होता है तो अच्छी बात है। अगर अच्छा कोई मुसलमान होगा दूसरे को अगर कोई हित आहित नहीं करेगा, अगर अच्छा मुस्लिम है अगर दूसरा का हित करता है तो उसके जो सील होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आजकल जिहाद की बात की जाती है, इसका वास्तव में अर्थ तो ये होता है कि हमारे जो अज्ञानता है, क्लेश है, उसको नष्ट करना जो हमारे अंदर बुराई उसको नष्ट करने का अर्थ होता है, इसका जिहाद है अर्थ कहा जाता है। मेरे मित्र हैं, एक मुस्लिम मित्र और मेरे एक मुस्लिम प्रोफेसर मिले, उनसे साथ मेरी चर्चा हुई। वास्तव में जो हमारी अज्ञानता है उसको नष्ट करना ही जिहाद कही जाती। तो बौद्ध धर्म में हमेशा हम लोग जिहाद का ही अभ्यास करते हैं, जैसे हमारे अंदर क्लेश इत्यादि को नष्ट करने का ही अभ्यास करते हैं, एक प्रकार के जिहाद है। तो हमें प्रतिसमुत्पाद जो है या निर्भरता के सिद्धांत, उसके बारे में जानना चाहिए।
फिर इसके बाद जो हमारे तीन शिक्षाएँ हैं, शील, समाधि, प्रज्ञा, उनका उन पर निर्भर होना, उनको जानने के बारे में पाठ हो रहा है। पर्दे नीचे के जो लम्बे में उनको मैं वो मैंने पढ़ा, उसमें संभाल संभाल में जाते समय उनका एक इतिहास है, तो टच लोम्पो में शायद मैंने देखा उसको। अगर बोध अपने प्रज्ञा के हिसाब से अगर आप बोध चित्त के बारे में सोचेंगे तो आप निश्चित रूप से आप बुद्धत्व को प्राप्त करेंगे ही, और उस ऐसा सोचने से आप निश्चित रूप से बोधि को भी प्राप्त कर सकते हैं। फिर तीसरा यहाँ पर भाग के जो शरीर है वो मिलना मुश्किल, उसके बारे में उसके तीन उपभागों के बारे में बांटा गया। पहला कि जो हेतु है उसके बारे हेतु के वजह से प्राप्त करना मुश्किल होता है, and
जैसे चतुर्थका में हमेशा हमेशा मैं उसे कोट करता हूँ, जैसे कि तो क्लेश के वजह से हम बुरे कर्म करने की वजह से नरक इत्यादि में पैदा हो सकते हैं, इसलिए उसके विपरीत हमें मेहनत करने की आवश्यकता है। जब मनुष्य स्वरूप जब मिल गया तो केवल उस समय हमें केवल जो 10 अकुशल कर्म है उनके बारे में ही नहीं सोचना चाहिए, तो उसके अतिरिक्त हमारे जो क्लेश हैं क्लेश को नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। अगर इसको अभ्यास करेंगे तो फिर अगले जन्म में भी जो हम अच्छे जन्म मिलने की संभावना रहती है। अगर अच्छी तरह से इनको नष्ट नहीं कर पाते तो शायद भगवान बुद्ध के दर्शन को ठीक से नहीं समझ पाए हो। दूसरा उधार के तौर पर माफ करना, जो उसकी खासियत है जो अच्छे जो चिन्ह उनके आधार पर शरीर को पाना मुश्किल होता है।
तीसरा के लक्षण है उसके आधार पर इस शरीर को प्राप्त करना मुश्किल होता है। Thank you.
अब इसके बाद समारोह में तो जैसे कि आने वाला जन्म है, पुनर्जन्म है, तो उसके बारे में भी नमडेल प्रमाण वर्तिका तो उसमें भी सिद्ध किया जाता है कि इसके उसमें प्रतिष्ठा जो भी चीज़ें हैं वो परिवर्तनशील हैं, तो परिवर्तनशील प्रतिशत बदलते हैं और जो परिवर्तन होने की वजह से उनका अस्तित्व होता किसी से बना होता है। और जब कोई चीज़ बनी होती है तो उसके दो हेतु होते हैं, तो स्वतः हेतु और दूसरे सहायक हेतु। ना पिछले साल यहाँ ड्रेपोंग में हम लोग विज्ञान लोगों के साथ में वहाँ पर चर्चा हुई आथर नामक के विज्ञान निकाय। मैं बौद्ध धर्म नहीं मानता हूँ, मैं बौद्ध नहीं हूँ, लेकिन जो चित्त की संतति होती है उसके बारे में विश्वास है। माँ भविष्य में भी दलाई लामा के साथ में पुनः मैं जन्म लूँगा और लोगों का हित करने का प्रयास करूँगा, ऐसा उन्होंने कहा। तो आजकल जो वैज्ञानिक लोग जो कि काफ़ी प्रसिद्ध वैज्ञानिक हैं और जो मस्तिष्क के जो विद्वान लोग होते हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, तो आजकल के जो हम लोग दर्शन उसके बारे में रिसर्च करते हैं, उसके बारे में जांच पड़ताल करते हैं, लेकिन उसकी व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हैं तो हैं। तो जो चित्त है वो स्थूल चित्त है, जो सूक्ष्म चित्त अभी भी है। तो एक वैज्ञानिक लोग मिले तो उनके साथ में बातचीत हुई, तो उनमें से कुछ वैज्ञानिक लोगों ने कहा कि 20वीं शताब्दी में ये सबसे 20वीं शताब्दी में ऐसा मानते थे कि 20वीं शताब्दी ऐसा मानते थे कि मस्तिष्क हट करके जो हमारे चित्त है उसके नहीं मानते थे, लेकिन 21वीं शताब्दी जब 20वीं शताब्दी के पूर्व में और 20वीं शताब्दी के बाद में, तो उसके बाद में ऐसी सोच आई कि हमारी मस्तिष्क में परिवर्तन करने वाला कोई दूसरा धर्म है, दूसरी वस्तु है। तो पहले जब
पहले जब परीक्षण करते थे तो परीक्षण दौरान, आज भी परीक्षण के दौरान ये पाया कि परिवर्तन करने वाली चीज़ होती है, तो आज इस प्रकार की चीज़ें देखने को मिलती हैं तो जो रूप से उत्पन्न नहीं हैं, जो रूप के रूप में नहीं हैं, जिनको जिनको हम कह नहीं सकते, देख नहीं सकते हैं, तो ऐसी चीज़ होती हैं जो हमारे मन में परिवर्तन करते हैं। तो भारतीय इसके बारे में जो मनोविज्ञान मनोविज्ञान की बातें हैं जो भारतीय ग्रंथों में भारतीय ग्रंथों में देखने को मिलती है, लेकिन दूसरे ईसाई या फिर क्रिश्चियन इत्यादि धर्मों में मनोविज्ञान इत्यादि के बारे में व्याख्या नहीं की जाती है। चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे पारसी धर्म हो, वो चाहे जूई धर्म हो, उनमें इस मनोविज्ञान या मस्तिष्क चित्त के बारे में व्याख्या नहीं की जाती है। और चीन के जो ताओज में है उसमें भी इस प्रकार की व्याख्या नहीं करते हैं। शायद वो आत्मा को मानते हैं या नहीं मानते हैं, मेरे अच्छी तरह से नहीं जानता हूँ, लेकिन मस्तिष्क के बारे में ठीक अच्छी तरह से अगर व्याख्या करने वाली अगर कोई परंपरा है तो नालंदा परंपरा ही है, भारतीय परंपरा ही है, तो इसके बारे में सोचना चाहिए। तो अगर चित्त से मस्तिष्क के हट करके अगर कोई सूक्ष्म चित्त है तो मस्तिष्क को नष्ट हो जाने के बाद, मृत्यु हो जाने के बाद भी सूक्ष्म चित्त को नष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं होती। केवल अगर हम कहते रहें कि हमारे माँ के रक्त और पिता के वीर से उत्पन्न ही होते हैं तो शरीर उत्पन्न होता है बनता है, तो मृत्यु होने के बाद इनको नष्ट होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो चित्त है वो अभी भी रह जाता है। तो केवल मस्तिष्क ही नहीं, हमारे चित्त हमारी जो रक्त है, जहाँ ब्लड रक्त जाने की जहाँ धमनियाँ होती हैं उसमें हमारे हृदय के मदद से हृदय के द्वारा ही हमारे सारी धमनियों में रक्त का प्रवाह होता है। तो जहाँ तक ईसाइयों की बात की जाए तो यीशु तो ये कहते हैं ये भगवान की कृपा से ऐसा होता है, दूसरे की कृपा से नहीं होता है। लेकिन हम लोग बौद्ध धर्म के लोग तो पिछली बार एक मंगोलिया के एक गुरु का एक शरीर को देखा जो लगभग मृत्यु के बाद 21 दिन तक उसी अवस्था में बैठे रहे, तो इससे स्पष्ट होता है कि हमारा जो चित्त है स्थूल और तो स्थूल चित्त के आधार पर हमारे जितना है उन सभी की व्याख्या नहीं की जा सकती है। इसके लिए हमें परीक्षण करने की आवश्यकता होती है, जांच पड़ताल करने की आवश्यकता होती है। अगर कर्म फल के बारे में जो बात करते हैं, अगर सिर्फ यही कहते हैं धर्म की बातें इससे हमें कुछ करना नहीं, ऐसी बात नहीं सोचना चाहिए, इसके बाद जांच पड़ताल करना चाहिए। ये कर्म फल की जो मृत पूर्व जन्म परजन्म की बातें हैं तो ये जरूर नहीं लमरम शैम्पू इत्यादि में ही कही जाएँ। तो इनमें हमारे चित्त की जो संतति है उसके बारे में स्पष्ट रूप से व्याख्या नहीं की गई है, तो इनको जानने की आवश्यकता है, इनको जानना चाहिए। Thank you.
से आगे आते हैं कि हमारे जो मृत्यु है उसके बारे में सोचना चाहिए, और मृत्यु के बारे में सोए निश्चित है इसके बारे में सोचना चाहिए, और जब मृत्यु होगी उस समय हमारे साथ धर्म के अलावा दूसरे कोई चीज़ भी हमें फ़ायदा नहीं पहुंचा सकती है, तो तीन बातों के बारे में सोचना चाहिए। तो गोम्बा रिम्पोछे ये न्याय के जो ग्रंथ हैं उनके बारे में सोचना चाहिए, जो कि नित्यता के त्याग के बारे में व्याख्या करते हैं कि कैसे होना चाहिए। तो तिब्बत में जब लोहा इत्यादि युग नहीं आया था, तो उसमें जो पाषाण काल था, जो पत्थरों का समय था, उस समय ज़्यादातर लिखित चीज़ जो पत्थरों पर लिखी जाती थी उस समय के जो उपयोग किए जाते हैं जो चीज़ें वस्तुएँ उपयोग की जाती थी वो आमदो क्षेत्र में कुछ प्राप्त हुई हैं। जब उनका परीक्षण किया गया तो उनके बारे में कहते हैं कि ये 30,000 वर्ष पुराने ये चीज़ें हैं, और छमदो तो गारी तो पत्थरों पर लिखे हुए जो मूर्ति हैं, और उसका जब परीक्षण किया गया तो लगभग 20,000 वर्ष पुराने निकलते हैं, और छोजे फंसो की तरफ जब खोज होती है और पत्थर निकलते तो उसमें 7,000 व 8,000 वर्ष पुराने की बातें हैं। तो इससे पता लगता है कि कितनी पुरानी संस्कृति है, कितनी पुरानी परंपरा है। तो उससे पहले राजा थे कि नहीं, उसके बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन बहुत सारे ये परिवार या फिर
समाज तो वहाँ जरूर रहता था। तो जो अभी बच्चे हैं, जो पाँच अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, 60-70 वर्ष के बारे हो जाएंगे, तब जगह हाँ ऐसा हुआ होगा ऐसी बातें कहें, जैसे कि जो जो अभी जो इस निर्वासन में आए हैं तो वो तो कह सकते हैं कि हाँ तिब्बत इत्यादि में किस प्रकार से बिहार इत्यादि बनाए गए, लेकिन जब 100 वर्ष इत्यादि हो जाएंगे, हो सकता है 100 वर्ष बाद जो भारतीय लद्दाखी या मौन क्षेत्र से हैं, तो आप लोग इसका रक्षण करेंगे। अगर आप इसको ऐसे छोड़ देना चाहते हैं तो फिर आपके हाथ में होगा। आजकल नए बहुत भारतीय लोग हैं जो बौद्ध धर्म में श्रद्धा रख रहे हैं या बौद्ध अपना रहे हैं और उसमें रुचि दिखा रहे हैं। जो अमेरिका इत्यादि में भौतिक चीज़ों से हमें सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती है। उसके अतिरिक्त हमें धर्म से ही धर्म की सुख की प्राप्ति हो सकती है। तो इसके लिए लोग रुचि दिखा रहे हैं। तो चाहे भगवान बुद्ध के धर्म सारा धर्म भले ही अभ्यास न कर पाए, लेकिन बौद्ध धर्म को मानने वाले, रुचि दिखाने वाले लोगों की संख्या नित्य दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। तो सोकपो का जो मंगोलिया के सिंजिन जो हैं राष्ट्रपति, उनसे मुलाकात करने के अस्पताल में मिलने गया, तो उनसे जो मनोविज्ञान के बारे में थोड़ी बातचीत हुई। अगर मनोविज्ञान के बारे में अच्छे से जान जाओगे तो मन में शांति प्राप्त हो सकती है। तो वो व्यक्ति जो है, उन्हें मंगोलिया राष्ट्रपति, उनको आधुनिक शिक्षा के बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी है। तो हम लोगों का ये जिम्मेदारी है कि हम लोग 22वीं शताब्दी में ये जो मनोविज्ञान है उसका बड़ा प्रभाव होना चाहिए। तो हम लोग 2015 के आसपास में हैं, तो हम लोगों को अपने ज्ञान के अनुसार, अगर ज्ञान के अनुसार देखेंगे तो ये दर्शन है बौद्ध धर्म में बहुत लंबे समय तक रख सकता है। अगर श्रद्धा के अनुसार रहेगा तो ज़्यादा इसका महत्व नहीं रहेगा। तो इसके लिए इसको जानना चाहिए।
तो भविष्य में सभी लोगों को एक दिन मृत्यु तो होना ही है, केवल नाम रह जाएगा और नाम कुछ समय तक रहेगा, उसके बाद भी नहीं रहेगा। जब मौत आएगी तो उस समय हम चाहे जादू करें या कुछ भी करें, लेकिन फिर भी मृत्यु से बच नहीं सकते हैं, ऐसा यहाँ जिक्र किया जा रहा है। धमसेन नामक प्राणी होता है, जब वो जवान होता है तो काफ़ी शक्तिशाली बड़ा होता है, जब बूढ़ा हो जाता है तो उसका शरीर बहुत कमज़ोर हो जाता है, तो ऐसी तो उसको खाना इत्यादि देने वाले भी नहीं होते रहते हैं और वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। जब अपनी प्रौढ़ अवस्था में होता है तब वो समय तो कुछ भी ले सकता है, जब बुजुर्ग हो जाता है उस समय वो नहीं आ सकता है। तिब्बत में घोड़ा या हाथी नहीं होता, लेकिन फिर भी यहाँ पर दिखाया गया गया दिया गया है। तो हाथी जो है दूसरे जानवर को और कुछ नहीं कर सकता, केवल उसको अपनी सूंड से पकड़ लेते हैं। तो ज़्यादातर जब जानवर एक दूसरे हत्या करते हैं, या तो उनका मुंह नाक बंद कर देते हैं या फिर मुंह बंद कर, जिससे कि उसका उससे कि मृत्यु हो सके, या दूसरे जानवर ऐसे होते हैं जो गले को पकड़ते हैं, जिससे गले में खून जाने के जो नसें हैं उसको नष्ट कर देते हैं, या फिर जो सांस लेने की नली होती है तो उसको नष्ट कर देते हैं। तो जो घोड़ा तो यहाँ शेर और घोड़े की बात शेर और हाथी की बात कर रहे हैं कि हाथी सिर का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, तो उसको केवल अपनी सूंड से दबा लेता है, दबोच लेता वो। भारत में जैसे ताजमहल और जैसे चीन की दीवार जब पहले बनाया होगा तो बहुत अच्छे मन से बनाया होगा, तो उस समय कार्य जो कर रहे थे लोग, तो उनको कोई पुण्य मिल जाए ऐसी तो कोई बात नहीं है, लेकिन उसको अपने नाम के लिए ऐसी चीज़ बनाई गई थी। तो हम लोगों को भी इस समय केवल ऐसा ही सोचते रहें कि जन्म ही बहुत महत्वपूर्ण है, और ऐसा मान के ज़्यादातर हम अपना जीवन निर्वाह करते हैं, तो इस प्रकार की ये गलती है, केवल इतना ही नहीं सोचना चाहिए। जैसे मृत्यु के समय होता है, उस समय हमारी जो चित्त सूक्ष्म होता है उसकी संतति होती है। जब पूर्व जन्म अगले जन्म में जब जानते हैं, तो जब इस जन्म ये शरीर तो छूट जाता है,
तो हमारा जो चित्त है, जो सूक्ष्म चित्त होता है, तो उसमें कर्म के जो वासना उसमें स्थित होती है तो वो उसमें जाती है। जैसे चार कायों के बारे में व्याख्या की जाती है, जैसे माध्यमिक दर्शनों के अनुसार अगर व्याख्या की जाए तो उनके जो उदाहरण के तौर में कहा जाता है कि हमारे चित्त संतति होती है, जहाँ व्यक्ति की बात की जाए या पुरुष की बात की जाए, कि केवल नाम मात्र से दिया गया है सब इस और वो स्वभाव से अगर कहा जाए तो उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, सिद्ध नहीं होता है। वो चित्त के आधार पर या जो चित्त की संतति उसी के अनुसार उसका व्याख्या की गई है, उसके आधार पर जो हमारी आरोपित की गई मैं या अहंकार होता है तो उसके द्वारा कर्म फल कर्म इत्यादि किए जाते हैं। चाहे जैसे उसकी आसक्ति होती है, आसक्ति भी ना तो वो पुण्य होता, ना ही वो ना तो रूप होता है, ना ही तो चित्त होता है। एक बार चंपे के उसमें एक वहाँ कूटा वहाँ पर आए, जब मैं छोटा था तो लासा में आए तो एक काफ़ी दिखावा करते हुए आए और जब वहाँ पर हमारे समझ आए तो उसमें लोसन ठग वाला नमो एक अक्षर लिखा था तो उसको ठीक से पढ़ नहीं पा लोसन ठगपा तो पढ़ना चाहिए, लोसन ठगपा ना पढ़ करके आगा कहीं का कहीं सर कहीं का कहीं लगा रहे थे कहीं का कहीं, तो उसको ठीक से पढ़ नहीं पा रहे तो और भावना तो ऐसे कर रहे जैसे उनको पढ़ना आता हो। एक हमारे बचपन में उनके साथ में जब खेल खेलते तो समय एक मित्र थे, उनसे मैंने कहा कि वो गांव के व्यक्ति थे तो वो ज़्यादातर पढ़े लिखे नहीं थे, तो हमसे तो उनमें से एक बुजुर्ग व्यक्ति जो ऐसा लग रहा था जो पढ़े लिखे थे, तो उन्होंने वो उसमें लिखा। तो एक दिन वो सास एक बार वहाँ इकट्ठे हुए तो मैंने उनसे कहा कि पहले आपने एक बार आपने कुछ लिखा था वो आप पढ़िए, तो बुजुर्ग ने तो अपने पूरे मजबूती से मेहनत से तो उन्होंने कहा जो पिछली साल पूरा आत्मविश्वास से कहा जो पिछली साल लिखी गई जो पत्र है इस साल कहाँ पढ़ सकते हैं, तो पिछली साल बात थी तो इस साल कहाँ पढ़ा जा सकता है, तो इसका मतलब ये दिखावा कर रहे थे, उन्होंने पढ़ना नहीं आता लेकिन इस तरह से उन्होंने उत्तर दिया तो अगर बौद्ध धर्म के दर्शन की बात की जाए तो इसमें काफ़ी जटिलता होती हैं, तो इसमें कहा जाता है अगर आप कुशल कर्म करेंगे तो पुण्य सुख की प्राप्ति होती है, या फिर हिंसात्मक कर्म करेंगे तो उससे दुख की प्राप्ति होती है। तो फिर इसमें बात होती है अगर हम इस जन्म में अगर अच्छे कर्म करते हैं तो दूसरे जन्म में हमें किस प्रकार से लाभ हों, किस प्रकार से हमें फल की प्राप्ति होगी। तो दूसरे बात जो कर्म फल को करने के बाद दूसरे क्षण में उसका कर्म तो नष्ट हो जाता है, फिर भी उसको बार बार उसका परीक्षण करने के दौरान फिर उसके बाद जब कोई ना उसको सिद्ध करने के लिए काफ़ी बुद्धि की आवश्यकता होती है, कुछ कारणों की या फिर काफ़ी प्रमाण की आवश्यकता होती है,
तो भगवान बुद्ध का जो दर्शन है वो वास्तविकता पर आधारित है। तो हम लोगों के जो नालंदा के जो विद्वान थे तो उनके हम लोग शिष्य हैं, तो शिष्य होने के नाते तो उसका परीक्षण करना चाहिए। तो आजकल के जो नए विद्याएं हैं उनके अनुसार किस प्रकार से उसके बारे में परीक्षण करना चाहिए। अगर वास्तव में बौद्ध धर्म को श्रद्धा के अनुसार मान लिया जाए तो इसका विकास नहीं हो सकता है, तो उस परीक्षण करना चाहिए। अगर श्वास की बात है तो वो हर क्षण हर मिनट वो परिवर्तित होती रहती है। अगर हम अपने तो ऐसा कहा जाता है सामान्य तौर पर कि हमारे शरीर में लगभग 100 वर्ष तक रहने की वजह से 100 वर्ष रहने का उसमें शक्ति होती है, लेकिन फिर भी आज के युग में बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारी जो हमारे रासायनिक पदार्थ हैं उनकी वजह से इतना लंबे समय तक नहीं रह सकते हैं। बहुत सारी व्याधियाँ बीमारियाँ होती हैं जिससे हमारी जो उम्र है वो कम हो जाती है। Thank you.
जैसे गृहस्थ लोगों की बात की जाए, जब वो जवान होते हैं फिर उसके बाद पढ़ाई पढ़ाई लिखाई इत्यादि में व्यस्त हो जाते हैं, फिर उसके बाद काम जो कार्य या फिर नौकरी इत्यादि काम करने के लिए उसमें अपना समय बिता देते हैं, फिर उसके बाद कुछ फिर उसके बाद शादी इत्यादि, फिर उसके बाद जब बच्चे पैदा नहीं होते फिर परेशानी होती है, और फिर बच्चे जब पैदा हो जाए तो ज़्यादा हो जाए उसकी समस्या होती है, फिर उसके बाद पढ़ाई लिखाई के लिए समस्या, फिर उसके बाद उनको देखभाल करने की समस्या या एक दुख, और फिर पढ़ाई कराने के दुख, वो दुख जब फिर और फिर जब पढ़ाई करने बाद काम ना उनको मिले नौकरी ना तो एक दुख होता, फिर उसके बाद अपने बच्चों के बारे में चिंता, फिर ऐसे चिंताएँ होती रहती हैं। तो इसलिए ग्रस्त किससे हटकर अगर प्रबज्जित लोगों की बात की जाए तो ज़्यादा अच्छी बात हो। जैसा सूत्रों में भी कहा जाता है अगर वास्तव में कि धर्म का अध्यापन का अध्ययन करने वाला तो ग्रह तो जो धर्म है वो धर्म रोज का अभ्यास करने की बात होती है, ऐसा नहीं है कि बाद में उसको कहीं पहाड़ या गुफा में जाकर के अभ्यास किया जाए, ऐसी बात नहीं होता, उसको रोज़ रोज अभ्यास करना चाहिए। जैसा गोथा ने कहा है कि अगर हो सके तो रोज़ परिवार में रहकर भी उसका अभ्यास करना चाहिए। जैसे हमारे जो भिक्षु लोग अगर उदाहरण भी दें तो भिक्षु भगवान बुद्ध भी खुद उन्होंने भी अपने कालसा को क्लेश इत्यादि को नष्ट किया, वो भी पर एक ग्रस्त के रूप में पैदा हुए, फिर अपने बुद्धत्व को प्राप्त किया। तो उन्होंने जो भी हमें रास्ते दिए हैं, जो मार्ग दिए हैं, अभ्यास जो दिए हैं, उनका अगर अभ्यास करते हैं तो अच्छा हो सकता है, तो ये उनके मार्ग के अनुसार चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा हो सकता है। भगवान बुद्ध ने जो तपस्या की ये तो वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। तो हम लोग अगर ऐसा सोचें भगवान बुद्ध का काम हो तो वो करेंगे, हम लोगों को कुछ करना नहीं है तो ऐसी बात नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने जो तपस्या की वो हम लोगों के लिए एक मार्ग है, वो एक प्रेरणा है, तो हम लोगों को उनकी प्रेरणा लेना चाहिए। भगवान बुद्ध तो चार रूपों को प्राप्त किए हुए हैं, नागार्जुन के षष्ठ तो भगवान बुद्ध तो चार कायों को प्राप्त किए हुए हैं, तो उनको देखना चाहिए, उनको जानना चाहिए। तो भगवान बुद्ध बुद्धत्व को प्राप्त करना अगर चाहते हैं, बुद्धत्व को प्राप्त करना चाहते हैं तो रोज़ रोज़ अभ्यास करके मेहनत करके संभव हो सकता है। अगर अपने चित्त को एक प्रशिक्षण न करें तो शायद बुद्धत्व को प्राप्त करना संभव नहीं हो सकता है। तो भगवान बुद्ध हम लोगों का एक उदाहरण के रूप में हैं, एक आदर्श के रूप में हैं, तो उनको देखकर हम लोगों को भी बुद्धत्व की प्राप्ति करनी चाहिए। Thank you.
Thank you.
कभी कभी समय समय मुझे डॉक्टर लोग मेरा परीक्षण करते हैं। तो जर्मनी के एक वैज्ञानिक हैं जो कि घुटनों के अच्छे डॉक्टर हैं, तो उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से परीक्षण किया। वो बाद में उन्होंने मुझसे कहा अठारह और अस्सी लगभग समान जैसा। उनका मैंने कहा कि मैं 80 वर्ष का हूँ। तो तिब्बती हड्डियों में एक तरह का फ्लूइड होता है जो जो कि जोड़ने का काम करता है। तो ये बात सही है, मेरे उसमें ये जो पदार्थ है वो नहीं रहा, क्योंकि 80 वर्ष के हो गया हूँ तो अब इसी तरह से जाना है। तो मैंने वास्तव में सोचा कि वास्तव में कि जैसे जब ये बात कही जाती है जो कह रहे हैं वो वास्तविकता है। पांचवें दलाई लामा के जीवनी में देखने में कहा गया है, जब कोई बड़ा गुरु आए तो उठ करके सम्मान किया जाता है। परम पावन जी उनके कहानी में कभी कभी जब उठने की मन नहीं होता तो कहते थे कि मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है तो ऐसा होता कहते थे जब तो कई प्रणाम नहीं करना पड़ता था, जिससे कह देते हमारे घुटनों में दर्द हो रहा है। कुछ लोग ऐसा करते हैं जब मृत्यु होती है तो जब किसी की मृत्यु होती है तो पहले तो नहीं आते थे, जब मृत्यु होते हैं सब पर इकट्ठे हो जाते हैं कि मैं इनका रिश्तेदार हूँ, मैं इनका या कोई जो भी हो नज़दीक हूँ, तो मृत्यु के समय तो सब इकट्ठे होते हैं, पहले कोई नहीं आता है कि हम लोग ज़्यादातर के यहाँ का जिक्र किया जाता है कि हम लोग दूसरों के मीट या ऐसा भी कहते हैं, जब मीट खाते हैं तो उस समय मीट का छोटा है या फिर उसमें ज़्यादा ज़्यादा चर्बी नहीं या ज़्यादा चर्बी है, इस तरह बातें करते हैं। ये कहते हैं तो मीट तो बहुत मजबूत है या फिर बहुत कठोर है या फिर बहुत अच्छी है, तो इस प्रकार की बातें जब करते हैं तो ये काफ़ी गलत बात होती है। मेरे पोलैंड के दोस्त हैं, तो दोस्त हैं तो एक बुजुर्ग हैं, एक महिला हैं, एक पुरुष हैं, तो ज़्यादातर मीट तो नहीं खाते हैं,
तो उन्होंने कहा मैं मीट नहीं खाता हूँ, अगर अगर मैं मीट खाऊंगा तो खुद अपने मीट को प्राप्त करूंगा। तो जो 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 जैसे रेस्टोरेंट इत्यादि में अलग बात है, वहाँ पर बहुत बहुत जब गैसे ऐसा मैंने सुना ऐसा सुना कि जब आप लोग गैसे बनते हैं तो भैंस इत्यादि की मीट को यहाँ पर देते हैं, तो ये बाद में हम लोगों ने बंद किया। ड्रुकपा कुंदन ने कहा है तो कुछ ऐसी बातें आती हैं।
कुछ दिन पूर्व मुझे एक हिंदू व्यक्ति से मिले, साधु से मिले, तो वो जो जो कोड़ी लोग हैं उनका हाथ पैर इत्यादि धुलते हैं, उनका दवाई करते हैं, उन्हें देखभाल करते हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति काफ़ी अच्छे व्यक्ति होते हैं। तो आजकल दुनिया में गर्मी बढ़ती चली जा रही है, तो काफ़ी परिवर्तन हुआ है। तो परिवर्तन होने की वजह से और गर्मी बढ़ी है, गर्मी बढ़ने की वजह से हमारे जो भौतिक तत्व उनमें परिवर्तन हुआ, और जो दुनिया की बात की जाए, जहाँ पर जो अटलांटिक इत्यादि में गर्मियाँ जो बर्फ़ के पहाड़ हुआ करते वो धीरे 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 ख़त्म हो रहे हैं, और जो समुद्र का पानी है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, और धीरे धीरे ऐसा समय आएगा कि आधा दुनिया तो उस पानी में ही समाहित हो जाएगी। तो इस प्रकार की जो खतरा है भविष्य में आने वाला, तो 21वीं शताब्दी के अंत में दुनिया के जो आबादी है लगभग 10 अरब के आसपास हो जाएगी। जो ये समस्या जो है उनको लड़ाई झगड़े से समस्या नष्ट नहीं हो सकती है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी जगह झगड़े होती हैं, तो ये बहुत सारी बुरी बातें हैं। तो दूसरे या पूर्व जन्म पर जन्म की बात तो करने तो दूर है। इसी जीवन के लिए हमें दूसरों के हित के लिए अगर सोचें तो हम कुछ कर सकते हैं। हम सभी लोग मनुष्य हैं, तो मनुष्य होने के नाते दूसरे लोगों के अगर हित के लिए अगर सोचेंगे, दूसरे का अच्छे बारे में सोचेंगे, तो अच्छी बात हो सकती है, बहुत महत्वपूर्ण बात है। जैसा कि माध्यमिक चतुशतक में भी कहा जाता है, क्योंकि हमारा जो शरीर है बहुत सारी चीज़ों से मिलकर के बना हुआ है। अगर लड़ाई झगड़े नहीं करें तो शांति मिलती है, और आपस में जो चार भौतिक तत्वों से मिला हुआ, बहुत अड़ुओं से, बहुत चीज़ों से मिला हुआ मिलकर बना है, अगर उसमें किसी में एक परिवर्तन होता है तो उसमें हमारे शरीर में परिवर्तन होगा। जैसे कि चार तत्व हैं, चाहे पृथ्वी का तत्व हो, आकाश, जल, आकाश, पृथ्वी, भूमि, जो भी इसमें मिला हुआ है, तो ये जो चार प्रकार के भौतिक तत्वों से चार प्रकार के भौतिक तत्वों से बना हुआ शरीर, इन भौतिक तत्वों से चाहे कि हमारे अंत के लिए भी सुख की प्राप्ति हो जाए तो वो संभव नहीं हो सकता है। और जब हमारे भौतिक तत्व में परिवर्तन हो जाता है तो बुखार आना या फिर सर्दी जुकाम इत्यादि होना शुरू हो जाते हैं। Thank you.
आजकल के देखा जाए तो आजकल बहुत अच्छी सुविधा जो है, गाड़ियों की सुविधा, कारों की सुविधा है, लेकिन फिर भी इससे बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। या फिर जो जवान लोग हैं वो लोग शराब ज़्यादा पीते हैं, फिर उनके किडनी इत्यादि खराब हो जाती है। तो बहुत सारी बीमारियां हैं जो खाने पीने से पैदा होती हैं। तो जब हमारा जीवन यापन करते हैं उस समय बहुत सारी बीमारियां बाहरी चीज़ों से आती हैं। तो आजकल ना कैंसर इत्यादि बीमारियां हो जाती है तो कोई किसी भी चीज़ को हम खा नहीं सकते हैं। तो अन्य बाईपास सर्जरी की तरह के द्वारा खाना पीना भेजना ऐसा किया जाता है। जब मृत्यु होगी उस समय मैं दलाई लामा हूँ तो मेरे साथ में ना तो कोई शिष्य नहीं जा सकता है, पुलिस इत्यादि कोई नहीं साथ जा सकता है। या फिर मैं बहुत बड़ा मंत्री हूँ या कुछ भी हूँ तो कुछ भी मेरे साथ जाने वाला नहीं है, सबका सब यहीं छूट जाएगा। जो कोई भी मित्र हैं, चाहे हमारे साथी मित्र हों, खाने पीने वाले, साथ में रहने वाले लोग हों, कोई भी साथ भी नहीं जा सकता, सबके यहीं के छूट जाएंगे।
जो हमारा स्थूल चित्त होता है उस समय जितना जितना ज़्यादा पुण्य कर्म कर सकें, पुण्य का शक्ति हो वो ज़्यादा हमारे फायदा होगा। और अभी सूक्ष्म चित्त पर के पर अभ्यास करना बना मुश्किल होगा। जब तक हम योगी इत्यादि न करें तब तक संभव नहीं हो सकते। तो अभी हमारा जो स्थूल चित्त है उसके बारे में, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करना चाहिए, जिसमें तीन प्रकार के पुण्य होते हैं, शरीर से कर्म, कर्म से और वचन से कर्म होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारे चित्त के द्वारा कर्म किए जाते हैं उनको करना चाहिए। अभी ज़्यादातर हम लोगों का ऐसा होता है कि जो क्लेश है तुरंत उत्पन्न हो जाता है। तो उसके लिए जो हमारा क्लेश है या अज्ञानता है, वो एक प्रकार की बुराई, उसको तुरंत जानना चाहिए। तो अभी अगर उसको नष्ट नहीं कर सकते तो भविष्य में समय मिलेगा कि नहीं, तो उसके बारे में नहीं कहा जा सकता। तो ये क्लेश जो है हमें अगले जन्मों नित्य आने वाले जन्मों में लगातार उसको नष्ट करने का मौका मिलेगा। ये तो एक प्रकार का विद्यालय में जाने के समान ही कि हमारे जब तक शरीर मिलता रहेगा तब तक उसका हम नाश कर सकते हैं। तो जितने प्रकार क्लेश या होते हैं वो सबसे पहले हमारे जो स्थूल चित्त है उसमें उत्पन्न होते हैं। जैसे एक छोटे बच्चा अगर एक माँ बाप के हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि कीड़े मकोड़ों को मारने का मारते हैं, या कुछ बच्चे उन्हीं के ऐसे होते हैं जो कि छोटे बच्चों को प्रेम करते हैं, छोटे कीड़ों के इत्यादि को प्रेम करते हैं। मेरे भारतीय एक दोस्त हैं जो तो जैसे जब उठते हैं तो ध्यान करता है, जैसे उठता है वैसे ध्यान करता है। तो शायद ये पूर्व जन्मों की उसमें कुछ गुण हैं। तो बिना कल भी करना, आज भी करना, तो बिना खाना खाए कुछ नहीं हो सकता है। तो अगर बिना खाना नहीं खाओगे और अभ्यास करते हो तो कोई फ़ायदा नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूँ कि कल परम पावन जी की टीचिंग समाप्त हो जाएगी, और परम पावन जी जो बचा हुआ प्रिलिमिनरी का पाठ है वो अगले साल के लिए करेंगे, भविष्य में करेंगे। लेकिन समय अभी निश्चय नहीं हुआ कहाँ पर करेंगे, कब करेंगे, इसका बाद में अनाउंस किया जाएगा। Аллилуйя, Боже, 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 Бо